तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक शर्मा। स्कैम इन असम, ट्रैप इज ट्रेडिंग। कैसे लोग इसमें दिन ब दिन फंसता जा रहा है, कैसे इसका गलती है खुद के ऊपर, है कि नहीं। लोग पागलों की तरह गूगल में बस यही ढूंढते रहते हैं कि घर बैठे बैठे घोड़े बेच के सो सो के पैसे कैसे कमाएं, पैसा कमाने का घर में आसान तरीका क्या है, क्या है, क्या है। तब उन लोगों का ये ट्रैप शुरू हो जाता है। फिर तो शुरू से लेकर अंत तक देखो, पूरा मामला आपके सामने रहेगा। तो नमस्कार, मैं अहमरे लड़ा है किंतु मोर चैनल हिंदी एक कारण बनाओ ताकि इन्फॉर्मेशन खी सकते। तो शुरुआत करना चाहता हूँ ट्रेंडिंग एप्स के ऊपर। सबको घर बैठे बैठे बहुत ही पैसा चाहिए, कुछ उसका काम करने की जरूरत नहीं है, बस आलस का बाप होके घोड़े बेच के सौ सौ के पैसा कमाने के इच्छुक है, उसको कहते हैं ट्रैप। नहीं समझे, मान लीजिए ये एक ओनर है किसी भी एप्लीकेशन का। ये पहले क्या करेंगे, एक इंडिया का गांव वाले को, एक गांव को पहले टारगेट करेगा, एक शहर को टारगेट करेगा, फिर गांव को टारगेट करेगा, कुछ लोगों को टारगेट करेगा कि ये है, देखेगा कि इस गांव में ट्रेंडिंग एप्स लोग बहुत सर्च कर रहे हैं गूगल में। ये जो दाता होगा ना, ये दाता इनके पास पहले रहना होगा। आपके एरिया में, आपके शहर में बहुत सारे लोग ये गूगल में सर्च करते हैं कि हाँ मुझे ट्रेंडिंग एप्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो इसके बारे में वो दाता पहले रहना होगा। ये दाता, ये लोग कैसे खरीद लेते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके पास वो दाता रहता है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को क्या करते हैं कि आपका मोबाइल आपका बात तो सुनता रहता है ना। हम जो यहाँ हमारे हाथ में जो मोबाइल रहेगा, हम कुछ अगर दोस्त के साथ बात करेंगे, क्या बात करें क्या नहीं करें, ये तो सुनता रहता है। ओके, तो हम ऑनलाइन में ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करें, ये करें, ये करें, ये बहुत सारा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल में एडवर्टाइज आ जाता है। फिर क्या करते हैं कि पहले जो नया ये एप्लीकेशन नया रहेगा, वहाँ पे क्या करेगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कैसे कमाएं, वो आर्टिकल मोबाइल में शो करता है कुछ दो तीन लोगों को जो ज़्यादा सर्च करता है। दिन में 200 से लेकर 300 बार तक सर्च करता है। ऐसा बंदा भी है गूगल में सर्च करता है कि मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप सीखना है, सीखना है, सीखना है, ऐसे करके जो ज़्यादा सर्च करता है उसी के पास वो नोटिफिकेशन भेज देता है कि हाँ तुम इसमें ट्रैप में फंसो। उस बंदे को क्या करता है कि उस बंदे का जो एप्लीकेशन रहेगा ना वो अलग रहेगा, क्योंकि क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं रहेगा, ये प्ले स्टोर से अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रहेगा। तो ये बंदे क्या करे, पहले उसको टारगेट कर लेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा कि तुम इसमें अपना मोबाइल नंबर दे दो, फिर तुम अगर व्हाट्सएप में किसी को शेयर करते हो तो तुम्हें 10 रुपये ऐसे मिलते तुम विथड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद तुम उस पैसे से ट्रेड करके तुम पैसा इनकम कर सकते हो। लेकिन कुछ पैसा ये जो ओनर होगा ना ये उनको दे देता है, मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, शायद 10,000 रुपये तक ये दे देता है। फिर ये क्या कहता है, ये थिंदौरा पीट देता है पूरे शहर में कि मुझे ट्रेंडिंग ऐप से पैसा मिल रहा है, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है। फिर हो जाता है इन लोगों का ये ट्रैपिंग सिस्टम। पहले क्या करेगा कि ये उसको टारगेट करेगा, अगर यूट्यूबर है या फिर कोई भी है, कोई इन्फ्लुएंसर है कोई है, फिर तो काम तो आसानी है। लेकिन अगर इसको पैसा मिल गया ना, एक दो बंदे को पैसा मिल गया, तो ये एक दो लोग थिंदौरा पीतेगा, क्योंकि उसको शेयर का पैसा भी मिल रहा है ना। जितना वो एप्लीकेशन शेयर करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। व्हाट्सएप में शेयर करे तो रिफरल बोनस अलग से है। तो वही ये चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा पीपल जुड़ हो सके। फिर क्या कहते हैं, उसका नेक्स्ट स्केल हो जाता है टेलीग्राम माध्यम से। वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे गाँव वाले या फिर शहर वाले, अरे मुझे ट्रेंडिंग आता ही नहीं है। फिर एप्लीकेशन ऐसा ट्रैप में फंसाता है कि तुमको सीखने की जरूरत नहीं है। ये टेलीग्राम में शाम को 6 बजे 7 बजे वो आ जाएगा कि कैसे तुमको इसको करना है, ठीक है। वो लोग यहाँ पे उसको सिखाते हैं, हाँ टेलीग्राम में आके कुछ यहाँ से फाइल वेल कर दो, कॉल कर दो, पुट कर दो। फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे 600 रुपये 1000 रुपये रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, उन लोग को दिखा रहते हैं कि हाँ देख सकते हो कि आपका 25 रुपीज़ मिल चुका है, 60 रुपीज़ मिल चुका है, 80 रुपीज़ मिल सकता है। ये सब एक कोडिंग एप्लीकेशन का कमाल है और कुछ नहीं, ये सिर्फ कोड का कमाल है। आप कोडिंग एप्लीकेशन से आप उसको ट्रैप में फंस रहे हो। फिर ये चाहता है कि हाँ मैंने, फिर ये लोग क्या करते हैं कि 2 साल लोगों को पैसा देता है, 10,000 20,000 साइड दे देता है, फिर ट्रैप में फंसने का शुरुआत हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है, जो ह्यूज अमाउंट करके ये लोग ये ट्रैप में करता है कि अगर तुम लोग 1 महीने के लिए पैसा इसमें डाल रहे हो ना, तो उसमें करके 2x करके आपका आ जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे तो 10,000 रुपये मिल गया, 20,000 रुपये मिल गया, हाँ कहीं किसी दूसरे जगह से और 20,000 रुपये ऐड करके 40,000 कर लेता है। 40,000 करने के बाद क्या होता है कि वो 1 महीने के लिए वो छोड़ देता है। फिर हो जाता है असली ट्रैप। इन्वेस्टमेंट भी गया, एप्लीकेशन भी गया, डाटा भी गया, समय भी गया, बस उन लोग का काम अभी हो गया है। बाकी वो लोग क्या करेंगे,
जब विदड्रॉल करने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो विदड्रॉल में क्या उसमें लिखा रहेगा कि सुबह आप 8 से 10 बजे तक आप विदड्रॉल कर सकते हो, लेकिन जब उसमें पैसा रिसर्च करेंगे ना तब तो रात को 2 बजे भी कर सकते हो, 3 बजे भी कर सकते हो, उसमें कोई सीमित नहीं है। तो इसी तरह से ये लोग कुछ लोगों को ऐसे थक के ये पैसा ले लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप कुछ ये ज़्यादा अगर कुछ पैसा अमाउंट अगर आपसे लूट भी लेंगे ना, तो आप FIR किस तरह से करेंगे? FIR करने का क्या हुआ कि देखिए भाई, बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या रहता है कि ये एक वित्तीय जोखिम वाला खेल है, कृपया ध्यान से खेलिए, ये आपका लग भी लग सकता है, ये वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट छल जाता है आपको चेतावनी देने के लिए। जैसे कि गुटखा के पैकेट में वहाँ पे लिखा रहता है कि बाबा को किल्स कैंसर, अगर वो खाने के बाद अगर हो जाए ना तो उसका आपका गलती नहीं है, वो ओनर कंपनी का भी गलती नहीं, क्योंकि वहाँ पे बराबर करके छाप के रखा है कि ये जो एप्लीकेशन लगाना है इससे आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन आपको सही है घर बैठे बैठे पैसा क्यों देगा यार, नहीं देगा ना। तो बस ये वीडियो शेयर करो, जैसे कि ये वीडियो मुझे पता है, ये वीडियो ये जो हैकर ये जो ज़्यादा ब्रेन वाले लोग होते हैं ना, ये वाले लोग इस वीडियो को डिसलाइक करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो शेयर करो, बहुत सारे लोगों को भेजो, ताकि वो लोग का पैसा भी घर में सेव रहे। अरे यार, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये फिल्म का डायलॉग है, उसको छोड़ो यार। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।